भूतिया चौराहा। इस चौराहे पर दूर दूर तक कोई आबादी आबाद नहीं थी, अगर थी भी तो उजड़ी बस्ती, घिरे ढहे मिट्टी के कच्चे मकान। शायद पहले यहां कोई कनूबा आबाद रहा होगा, पर आज उस चौराहे के सिवा यहां कुछ नहीं था। दिन भर तो इस चौराहे पर भीड़ भाड़ काफी रहती थी, मगर रात 9 बजे के बाद ये चौराहा सन्नाटे में डूब जाता था। रात्रि में बस चोर चक्कों का राज रहता था। सुबह सुबह काफी भीड़ लगी थी चौराहे पर। 4 नव युवकों की शत विशत लाशें पड़ी थी यहां, जैसे किसी जानवर ने बड़ी बेरहमी से मारा था इन्हें। हम तो कहा था सिवा, ये उसी डायन का काम होगा। बड़ी बेरहमी से मारा है बेचारों को। कल अमावस थी ना, उसकी शक्ति इस रात में 100 गुना बढ़ जाती है भाया, एक बड़ी बड़ी मूछों वाला व्यक्ति बोला। अरे दुर्जन काका, तुम आज इस विज्ञान के युग में भी चुड़ैल डायनों वाली बात पर विश्वास करत हो? शिवा ने जवाब दिया। शिवा, अगले बरस भी अमावस की रात में 4 लोग इसी चौराहे पर मारे गए थे, याद है कि नहीं? अरे हाँ काका, तुम ठीक कहा था। कुछ तो गड़बड़ है, अब हमें भी लागत है यहाँ कुछ हुआ है। शिवा कांपते हुए उस अमावस वाली रात की याद आते हुए बोला। तभी पुलिस सायरन गूंजा और उस एरिया के हैवान चौकी का इंचार्ज बिप्पल दत्त अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं। ए चलो पीछे हटो, चलो पीछे हटो। इंचार्ज बिप्पल दत्त पुलिसिया भेद घुमाते हुए भीड़ को उन लाशों से दूर हटाते हुए बोले। क्यों, आप में से कोई इन्हें पहचानता हो तो हमारी मदद करो। तुम? नहीं साहब, एक व्यक्ति बोला। तुम? जी नहीं साहब, दूसरा व्यक्ति बोला। देखो अगर कुछ भी जानते हो तो छुपाओ नहीं, बता दो, वरना तुम सबको यहाँ से देर सवेर गुजरना है, बिप्पल दत्त बोले। भीड़ में इकट्ठे सभी गांव वालों ने ना में सिर हिलाए, पर दिन में ही भयावह दिखने वाला एक व्यक्ति, जिसके ललाट पर द्विज के चांद जैसा निशान था, आंखें सुर्ख लाल अंगारों की तरह थी, लंबी केश उसके पीठ पर लहरा रहे थे, चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछे थी, सामने आया और बोला, दरोगा बाबू, ये सब उस रूहानी ताकत का काम है। तुम कौन, कैसी रूहानी ताकत, बिप्पल दत्त बोले। जी मैं तांत्रिक दिगंबर नाथ शैतान हूं, इसी चौराहे की बात कर रहा हूं। यहां एक युवती की आत्मा भटकती है, जो हर अमावस को नव युवकों का शिकार करके उनके रक्त से अपनी प्यास बुझाती है। उसी ने इन 4 नव युवकों को शिकार बनाया होगा, क्योंकि कल अमावस की रात थी। सिपाही बलवीर। यस सर। गिरफ्तार कर लो इस पाखंडी दिगंबर नाथ शैतान को, इस भोली बाली जनता को गुमराह करने के जुर्म में। इंचार्ज बिप्पल दत्त दहाड़ उठे। भीड़ में खड़े तांत्रिक दिगंबर नाथ शैतान को सिपाही बालवीर ने हथकड़ी पहना दी। साहब ये ना इंसाफी है, तांत्रिक दिगंबर नाथ शैतान बोला। व्हाट नॉनसेंस मैन, ले जाओ इसे और इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट मुर्दाघर भिजवा दो। जी सर, सिपाहियों ने कहा। 2 सिपाहियों को उन लाशों के पास छोड़कर चौकी इंचार्ज बिप्पल दत्त सिपाही बलवीर दिगंबर नाथ शैतान को लिए अपनी पुलिस जीप पर सवार हुए और हैवान पुलिस चौकी की तरफ निकल पड़ते हैं। पुलिस स्टेशन के भीतर किसी कैदी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। यह आवाज पूरे कैदियों के लिए डर का सबक बन रही थी। वह बेरक नंबर 87 की कोठरी में कैद था। एक बड़े से गैलन पर कंपन की अवस्था में हिलते डुलते खड़ा गुलदान से बाहर देखता हुआ बीती यादों में खोया हुआ था। रात का अंधेरा बढ़ने लगा था। बस्ती के हर कच्चे मकानों में खास लेट वाली लालटेन जल रही थी। बर्तनों के टकराने की आवाजें आ रही थी। शायद खाना पीना होने के बाद गृहिणियां बर्तन वगैरह धो रही थी। तभी एक साया गली के अंधेरे से होता हुआ सामने वाले मकान के पास पहुंचा।
गली के तरफ जो खिड़कियां थीं, उससे रोशनी आ रही थी। साया छांका, वह खूबसूरत युवती थी। भीतर एक खूबसूरत नवयुवक पढ़ रहा था। उस युवती को देखते ही बोला, बेला जी, इतनी रात गए आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। यह तुम कह रहे हो राघ, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था? बेला बरस पड़ी। जरा धीरे बोलो बाबा, तुम तो बेकार के नाराज हो गई। मैं तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारे बाप को देखते हुए ऐसा बोला। कहाँ वो ठहरे गांव के सरपंच मुखिया, और कहाँ मैं एक अनाथ बेबट टैक्सी ड्राइवर, जो टैक्सी से कमाई होती है, पैसा मेरी पढ़ाई लिखाई में खर्च हो जाती है। सोचो, हम तुम्हारा ख्वाब मन में सजा कर ही क्या करेंगे। इस मर्ज की दवा भी मैंने खोज ली है। राग, अपने कान इधर लाओ। बेला बोली, जी कहिए। राग, अगर तुम साथ दो तो हमारे कोनिया वाले घर में आधी रात को हीरे जवाहरात से भरे बड़े बड़े मटके इधर से उधर चक्कर लगाते रहते हैं। अगर वो द्रव्य हमारे हाथ आ जाए तो हम आजाद पंछी की तरह यहाँ इन प्यार के दुश्मनों से बहुत दूर निकलकर अपनी दुनिया आबाद कर सकते हैं। बोलो, साथ दोगे हमारा? बेला खिड़की में हाथ डाले उसके हाथों को सहलाते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। जान नहीं राग, बस तुम्हारा साथ चाहिए। तो कल इसी वक्त तुम्हें लेने में आऊंगी, तैयार रहना। जी।